अक्षरा सिंह और विवाद, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। कभी विवाद अक्षरा सिंह को नहीं छोड़ते तो कभी अक्षरा सिंह विवादों को नहीं छोड़ते। खैर, आपको बता दें कि इन दिनों अक्षरा सिंह को बिहार पुलिस कोने कोने में ढूंढ रही है और अक्षरा सिंह है कि उन्हें नज़र नहीं आ रही है। खैर, अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया साइट्स पर एक वीडियो जारी किया और ये कहा, भाई मैं तो यहीं हूँ, लेकिन यहीं कहाँ है। बिहार पुलिस ने उनके घर पर, यानी कि जो उनका पटना वाला घर है, उस पर लुकआउट नोटिस जारी किया है। अक्षरा सिंह के खिलाफ FIR है। आइए बताते हैं क्या है पूरा माजरा। ये है कि मुन्ना शुक्ला, जो कि दबंग नेता है, उनके यहाँ उनके भतीजे का उपनयन संस्कार हो रहा था। यहाँ पर कई बड़े अतिथि आए थे और अक्षरा सिंह को उनकी परफॉर्मेंस के लिए निमंत्रण दिया गया था। यहाँ पर अक्षरा सिंह ने कोरोना की धज्जियाँ उड़ा दी, यानी कोरोना काल में जितने भी नियम कायदे कानून लगे थे, इस पूरे प्रोग्राम में उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई। अब बता दें ये प्रोग्राम कब था। ये प्रोग्राम था पिछले साल 23 अप्रैल 2021 को, और इसी प्रोग्राम में अक्षरा सिंह के मुन्ना सिंह और उनकी पत्नी ने अक्षरा सिंह के साथ स्टेज पे ठुमके लगाए तो लगाए, साथ ही फायरिंग की गई। उसके बाद इस पूरे प्रोग्राम में किसी ने भी मास्क वेयर नहीं किया था। जी हाँ, जो भी थे, जितने भी मेहमान थे, सभी ने, किसी ने भी मास्क वेयर नहीं किया। साथ ही साथ किसी ने कोरोना काल के किसी भी प्रोटोकॉल को माना ही नहीं। ये वीडियो जैसे ही मीडिया में आया, बवाल मच गया। मुन्ना शुक्ला के साथ साथ उनकी पत्नी और अक्षरा सिंह को भी अभियुक्त बनाया गया और इन पर FIR दर्ज कर दी गई। उसके बाद कई बार अक्षरा सिंह को बिहार पुलिस की तरफ से तलब किया गया, लेकिन अक्षरा सिंह ने हमेशा अपने बिजी शेड्यूल का बहाना बताकर बिहार पुलिस के सामने पेश नहीं हुई। अब उसका नतीजा ये हुआ कि उनके पटना वाले स्थित घर पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और अक्षरा सिंह के खिलाफ FIR भी की गई है। तो क्या कहेंगे आप अक्षरा सिंह के बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।